आई सी सी चैम्पियंस ट्राफी दो का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिया जाने वाला शेड्यूल मंजूर हो चुका है अब इसके बाद क्या कहानी है क्या भारतीय टीम पाकिस्तान आ रही है और चैम्पियन ट्राफ़ी 2025 हज़ार पच्चीस एज़ पर शेड्यूल होने जा रही है इसके वाले से बहुत बड़ी अपडेट है इसके वाले से जो इतलात आ रही हैं कि आई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दिया जाने वाला मजबूा शेड्यूल मंजूर कर लिया है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया ना ही किसी टीम का वेन्यू चेंज किया है ना ही कोई और तब्दीली की है ना ही कोई तारीख चेंज की है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल आईसीसी को भिजवाया है उसके मुताबिक टूर्नामेंट का आगाज़ 9 फरवरी को होगा और टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है वो नौ मार्च को खेला जाएगा और उसके अलावा जो इवेंट में टीमें शरीक हैं उनमें भारत आस्ट्रेलिया इंग्लैंड साउथ अफ्रीका बांग्लादेश न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें शामिल हैं उसके अलावा मेज़बान पाकिस्तान भी आठवीं टीम के तौर पर इस इवेंट का हिस्सा बनेगी लेकिन अब अहम बात यह है कि इसमें भारत के ऊपर बहुत सारे लोगों की सुई अटकी हुई है बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि भारतीय टीम कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी जैसा कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है अब चूंकि भारत में अलेक्शन हो चुके हैं नई पॉलिसी बनने जा रही है लेकिन फिलहाल किसी ऐसे अहम प्लेटफॉर्म पर भारत की जानब से इस बात की तस्दीक नहीं की गई है कि वो अपनी टीम नहीं भेज रहे बातें बहुत होती हैं लेकिन ऑफिशियली तौर पर आईसीसी को भारतीय बोर्ड ने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो पाकिस्तान नहीं जा रहे और यही वजह है कि पाकिस्तान का दिया जाने वाला जो मजबूा शेड्यूल है वो आई ने मन वन वैसे का वैसे दीगर तमाम सात टीमों के क्रिकेट बोर्ड्स को भेजने का फ़ैसला किया है जिसकी मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर आईसीसी इस इवेंट के शेड्यूल का ऐलान कर देगा सात से आठ माह का वक्त मजीद बाकी है उसके बाद आईसीसी सी सी चम्पियन का आगाज़ होना है और लाजमी सी बात है कि आइंदा एक माह के अंदर इस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान हो जाएगा और कभी इम्कान यही है कि भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी और तमाम मैचेस जो हैं उनके लाहौर में रखे जा रहे हैं इससे पहले जब एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानब से पाकिस्तान में खेला जाने वाला एशिया कप 2023 श्रीलंका में मुंतकिल किया गया था तो हैब्रिड मॉडल से पहले ही इख्तलाफात आना शुरू हो गए थे भारतीय बोर्ड ने वाजे कर दिया था कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे तो जिसके बाद जो शेड्यूल है वो उस तरह सामने आया ही नहीं था उसकी मंजूरी हुई ही नहीं थी लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आई सी सी ने अगर इसको मंजूर करके बाकी सात क्रिकेट बोर्ड को भेजने का फ़ैसला किया है तो इसका वाज मतलब पर यही है कि किसी क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ इस तरह की कोई बात नहीं की है कि उस पर अपने तहफात का इज़ार किया हो या कोई उसमें रद्द बदल करने का हो अब देखना ये है कि जब यह बोर्ड के पास जाएगा ख़ासतौर तो पर जब भारतीय टीम के पास भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास ये शेड्यूल जाएगा तो उनकी जानब से क्या रिएक्शन आता है लेकिन बहरहाल जो उम्मीद है वो यही है कि आई सी सी चैम्पियन ट्राफी एज़ पर शेड्यूल पाकिस्तान में होगी और भारतीय टीम भी आएगी इसके हवाले से जो विराट कोहली का बयान है कि वो पाकिस्तान जाकर खेलना चाहते हैं ये इसके अगर पस मंतर में देखें तो ये बहुत बड़ी बात है एज ए प्लेयर आम बात नहीं है क्योंकि उन्होंने ये बात ऐसे मुँह उठा के नहीं कह दी है टीम का माहौल देखा होगा क्रिकेट बोर्ड का रवैया देखा होगा पहले इस तरह का बयान उनकी जानब से नहीं आया था तो इसका मतलब फिर ये है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बार अपनी टीम पाकिस्तान भेजने के लिए लगभग तैयार है अब जो अहम बात है वो ये है कि जब ये शेड्यूल सामने आ जाएगा उसके बाद गो के मीडिया में इस तरह की बातें हो सकता है आएँ लेकिन मुझे लगता है कि अब ये शेड्यूल जब जिस पर ए ने इतराज़ नहीं किया भारतीय बोर्ड भी एतराज़ नहीं करेगा दीगर जो छः टीमें हैं उनके क्रिकेट बोर्ड्स भी उस पर एतराज़ नहीं करेंगे और ये शेड्यूल जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा